तो भाई लोग पीडब्ल्यूआई लिस्ट में रोमन रेंज नंबर वन पर आए हैं, तो आप सबको पता ही होगा पर क्यों नंबर वन पर आए इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ ब्रॉक लेसनर का कौन सा करेक्टर इस बार डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आने वाला है। और हाल ही में लोगन पॉल ने चैलेंज कर दिया हमारे ट्रैवल चीफ रोमन रेंज को, तो क्या है पूरा कहानी आज की वीडियो में पूरा जानेंगे। तो भाई मैं बता रहा हूँ बस वीडियो स्किप मत करना, बहुत सारे बातें हैं आपसे करने के लिए इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता थोड़ा सा एज के बारे में उन लोगों को बता देता हूँ। तो एज को अब ऑफिशियली इंजर्ड दिखा दिया गया है डब्ल्यूडब्ल्यूई के तरफ से भी, और उनका जो रिकवरी टाइम वो माना जा रहा है 4 से 8 हफ्ता के बीच में, कभी भी आ सकते हैं। तो भाई बस ये बात समझ लो कि अभी एज 1 साल तक कंटिन्यूअस रेसलिंग करने ही वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। और हाँ, अगर उनका मैच एक्सट्रीम रूल के अंदर नहीं हो सकता फिन बैलर से, तो 100% होगा क्रॉन ज्वेल के अंदर। अब हम पूरी डिटेल में बात कर लेते हैं सोलो सिकोवा के बारे में और उनका फ्यूचर प्लान के बारे में। भाई आप सच में ये न्यूज सुनकर शॉक्ड हो जाने वाले, क्या क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई एक्चुअल में प्लानिंग कर रही है। हाल ही में आपको पता होगा सोलो सिकोवा नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप जीत गए जबकि वो स्मैकडाउन का पार्ट ऑफिशियली हो चुके हैं। तो आखिर ट्रिपल एच उनको स्मैकडाउन के पार्ट बनाने के बाद उनको एनएक्सटी का चैंपियनशिप बेल्ट क्यों दिया, ये सवाल तो कभी ना कभी आपके मन में आया होगा। और एक और सवाल यह है कि वो आखिर रहने कहां वाले हैं, क्या वो स्मैकडाउन के अंदर रहने वाला है या फिर एनएक्सटी के अंदर रहने वाला है। भाई देख लो, ट्रिपल एच को द गेम ऐसे ही नहीं कहा जाता, वो सच में यहां पर गेम खेल चुके हैं। एक्चुअली में सोलो सिकोवा एनएक्सटी के अंदर भी रहने वाले हैं और स्मैकडाउन के अंदर भी रहने वाले। अब इससे देखो क्या फायदा होने वाला है, इससे ये फायदा होने वाला कि जो स्मैकडाउन और रॉ जो बंदा देखता है वो जाकर एनएक्सटी भी अब देखे, और अगर वो एनएक्सटी देखता है तो एनएक्सटी का भी व्यूअरशिप इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और सिर्फ नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप बेल्ट नहीं, और भी बहुत सारे चैंपियनशिप बेल्ट हमें देखने को मिलेगा आते हुए एनएक्सटी से डब्ल्यूडब्ल्यूई के। मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल से समझाता हूं, आप पूरी तरह से समझ जाओ। देखिए हम लोग स्मैकडाउन और रॉ का दोनों का शो क्यों देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि दोनों शो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के शो को भी अगर जोड़ देती है मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन से, तो एनएक्सटी भी लोग देखेंगे बहुत ज्यादा, और हमें बहुत सारे रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर से एनएक्सटी भी जाते हुए दिखेंगे हमें फ्यूचर टाइम, क्योंकि आपको पता होगा कि ट्रिपल एच का पहला पेयर एनएक्सटी के अंदर। भाई ये बात समझ लो, अब ट्रिपल एच बहुत बड़ा गेम खेल रहा है एनएक्सटी के अंदर और डब्ल्यूडब्ल्यूई के पूरे। ऐसा जो मैं आपको समझाया, अगर आपको पूरी तरह से समझ में आ गया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। हमारा अगला अपडेट जुड़ा हुआ है बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड। तो आप सबको पता होगा द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक बार फिर से वापस आने वाले। पर जब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फिर से वापस आएंगे तो आखिर वो अपने कौन से करेक्टर में आएंगे, क्या वो अपने हील वाले करेक्टर में आएंगे या फिर फेस वाले करेक्टर में आएंगे। तो भाई अब इसके रिलेटेड भी कंफर्म रिपोर्ट निकलकर सामने आ चुका है, तो ब्रॉक लेसनर इस बार अपने हील करेक्टर के अंदर आने वाले हैं। तो देखिए इसके पीछे दो रीजन मैं आपको क्लियर तरीके से समझा देता हूं। तो सबसे पहला रीजन ये है, ब्रॉक लेसनर अभी हार के गए और जब वो हार के गए तो गुस्सा में ऑब्वियसली आएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इस बार डब्ल्यूडब्ल्यूई उनका बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर वाला करेक्टर लेके आने वाला है। और दूसरा रीजन ये है कि बॉबी लेसली अभी एक फेस करेक्टर है डब्ल्यूडब्ल्यूई, तो अगर ब्रॉक लेसनर को डब्ल्यूडब्ल्यूई फेस करेक्टर के अंदर लेते आते हैं तो फेस वर्सेस फेस का मैच नहीं होता डब्ल्यूडब्ल्यूई, और बॉबी लेसली को अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई हील टर्न तो करवाने नहीं वाली, इससे अच्छा वो ब्रॉक लेसनर का भी हील टर्न करवा के लेते हैं। बस आप सिंपल लैंग्वेज में इतना समझ लो कि इस बार ब्रॉक लेसनर अपने हील वाले करेक्टर द बीस्ट इनकार्नेट वाला करेक्टर में वापस आने। हमारा अगला अपडेट जुड़ा है हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बारे में। तो हाल ही में क्या हुआ, एक बंदा ट्विटर पे ट्वीट करके इस बात को बताया कि सेथ रॉलिंस 14 चैंपियनशिप जीत चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। तो इस पे बड़ा कमाल का रिप्लाई आया सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का, तो वो बोले मैं 14 नहीं 15 चैंपियनशिप जीत चुका हूं, बस 2 दिन वेट कर लो। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो सेथ रॉलिंस टीज कर रहे थे बॉबी लेसली वर्सेस सेथ रॉलिंस के मैच को, जो कि मंडे को होने वाला यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप बेल्ट के लिए। तो भाई इस मैच का ऑलरेडी बैटिंग ऑर्डर भी निकलकर सामने आ चुका है, तो आप लोग सब जान लो। तो भाई जैसा कि मैंने बताया था इस मैच को करंट फेवरेट जीतने के लिए बॉबी लेसली, मतलब बॉबी लेसली मंडे नाइट रॉ के अंदर अपना सक्सेसफुली चैंपियनशिप बेल्ट रिटेन करने वाले। अब सेथ रॉलिंस चैंपियनशिप बेल्ट क्यों नहीं जीतने वाले, इसके पीछे बहुत सिंपल सा रीजन है, रिडल का इंटरफेरेंस होने वाला। तो भाई बस देख लो अभी सेथ रॉलिंस का अच्छा दिन नहीं आने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। हमारा अगला अपडेट जुड़ा हुआ है लोगन पॉल के तरफ। वैसे चलिए एक और मैं फैन फैक्ट बता देता हूँ अभी हम लोगन पॉल के बारे में। ये जो ड्रेस लोगन पॉल अभी पहने हुए हैं ये ड्रेस 3.5 करोड़ का है। जी हाँ, ये ड्रेस 3.5 करोड़ का, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का सबसे महंगा ड्रेस भी है। वैसे लोगन पॉल के बारे में ये न्यूज नहीं है, ये न्यूज है कि लोगन पॉल बहुत ही जल्द ट्राइबल चीफ के साथ फाइट करने वाले। आपको पता ही होगा कि हाल ही में लोगन पॉल के ब्रॉडकास्ट के अंदर हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज गए, तो उसके बाद ट्विटर पे ट्वीट करके रोमन रेंज इस बात को मेंशन किया कि तुम्हारे साथ जो बंदे थे लोगन पॉल वो मुझे एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे शो के ऊपर, और साथ ही साथ उन्होंने पॉल हेमन को ये बोला कि तुम ही इस मैटर से सुलझो। तो भाई बस इतना समझ लो कि लोगन पॉल और रोमन रेंज का फ्यूचर में मैच एक न एक दिन जरूर होने वाला है। अब देखो हमारे लिए वो मैच उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए ये मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ऑब्वियस ही बात है यार, लोगन पॉल एक सेलिब्रिटी है। अब देखिए भारत के सलमान खान का अगर मैच हो जाता है रोमन रेंज के साथ, ये मैच रेसलिंग में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा। पर देखो उस मैच को पूरा इंडियंस लोग देखेंगे क्योंकि उसमें सलमान खान है जो कि भारत का बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। तो भाई बस इतना समझ लो कि लोगन पॉल यूएसए के अंदर एक सेलिब्रिटी है उनके लिए। वैसे आप कमेंट सेक्शन में ये बताना कि इंडियन कौन सा हीरो के साथ आप रोमन रेंज का फाइट देखना चाहते हो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। ऑब्वियसली ये चीज होने नहीं वाला, पर कमेंट सेक्शन में सब लोग बताना, मुझे पढ़कर जरूर मजा आएगा। या आपको कौन सा इंडियन ऐसा एक्टर लगता है जो कि रोमन रेंज जैसा है, उसका बॉडी है रोमन रेंज को हरा सकता है। तो चलिए अब हम अपने फाइनल स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं जो कि हमारे ट्रैवल चीफ रोमन रेंज से ही रिलेटेड है। भाई आप सबको ऑलरेडी पता भी होगा, जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि पीडब्ल्यूआई एक लिस्ट निकाला जो कि वो हर साल निकालते हो, और इस लिस्ट के अकॉर्डिंग रोमन रेंज सबसे टॉप के रेसलर है। और
ऐसा नहीं कि ये लिस्ट फर्स्ट टाइम निकला है, ये लिस्ट हर साल निकलता है टॉप 500 रेसलर का लिस्ट। देखो मुझे ठीक से याद नहीं पर पिछले बार आई थिंक कैनी वगैरह इस लिस्ट के सबसे नंबर वन पर। फिर मुझे याद है कि ट्विटर पे बहुत ज्यादा बवाल भी चला था कि पिछले साल रोमन रेंज नंबर टू पर क्यों, पर इस बार अच्छी बात है कि इस बार रोमन रेंज सबसे लिस्ट में नंबर वन पर है। वैसे अगर ये लिस्ट में आपको दिखाऊं तो ये लिस्ट मुझे पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं की। आप देख सकते हो ड्रू मैकइंटायर जैसे बेहतरीन रेसलर को इन्होंने लिस्ट में नंबर 20 पर रखा है, वहीं सेथ रॉलिंस को इन्होंने 17 पर रखा है। इसके पीछे देखिए ये कारण के साथ इस साल सेथ रॉलिंस बहुत ज्यादा मैचेस हारे हैं। तो भाई देख लो रोमन रेंज को सिर्फ WWE के अंदर नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर एक्नॉलेज किया जा रहा है। इस लिस्ट के अंदर रोमन रेंज हमेशा से ही नंबर 10 या नंबर 5 के अंदर हमेशा रहे। वैसे अगर आपके मन में ये सवाल है कि रोमन रेंज WWE के अंदर कब आने वाले, तो ये डाउट भी आपको क्लियर हो जाएगा कुछ ही समय में। तो भाई अगले स्मैकडाउन के अंदर रोमन रेंज WWE के अंदर वापस आने वाले। वैसे पिछले स्मैकडाउन में रोमन रेंज सेलिब्रेट नहीं करना है WWE में, इससे पता है क्या बात पता चलता है? इससे ये बात पता चलता है कि रोमन रेंज ड्रू मैकइंटायर को कोई रेसलर ही नहीं मानते और वो ये दिखाना चाहते हैं कि ड्रू मैकइंटायर जैसे रेसलर को मैं आराम से हरा सकता हूं, इसलिए मैं सेलिब्रेट करने तक नहीं आया। अच्छा मैंने एक फोटो लगाया था आज, मैं पूछा था कि ये फोटो कौन सा WWE रेसलर का है। तो अभी जो आप मेरे वीडियो देख रहे हो, अगर आप में से किसी को पता है इसका सही जवाब तो आप सब कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ मैंने Q&A वीडियो आज डाल दिया, तो जो लोग नहीं देखे हो Q&A वीडियो सब लोग जाकर देख लो। मैंने बहुत सारे बातें की उसमें WWE से रिलेटेड, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लो यार सब लोग, और सब लोग वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना सब लोग।